हेलो दोस्तों, ये है पैटर्न्स। तो पैटर्न बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आगे हायर स्टडीज़ में, मैथ्स में। सो बच्चों को तो ये बहुत फ़न लगता है और फ़न तरीक़ा से बताया भी जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये कुछ एक्टिविटी है जिस पे अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको बेसिक सा बात बताता हूँ। जैसे कि पैटर्न्स इन नेचर, कुदरत जो होता है वो पूरा पैटर्न पर काम करता है, ठीक है। नेचर लाइक लीव्स, पत्ते जो होते हैं, हम किसी भी पेड़ के पत्ते को देख के, हमारे सीनियर जो एल्डर पर्सन होते हैं जनरली, वो कोई भी पत्ते को देखकर बता देते हैं कि ये किस पेड़ का पत्ता है। तो क्यों? क्योंकि पेड़ भी क्या होता है कि पैटर्न फॉलो करता है। उस पेड़ में, जैसे केले के पेड़ में कोई और आम के पेड़ का पत्ता नहीं आता है, तो सबका एक पैटर्न होता है। फ्लावर का भी अपना पैटर्न होता है, कीड़े मकोड़ों का भी अपना एक पैटर्न होता है, रेनबो का भी पैटर्न होता है। सो पैटर्न्स इन नंबर, इसी तरीक़ा से नंबर्स का भी पैटर्न होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? +2, +2, +2, +2। सो आपको आगे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें भी +2, +2 करके लिखना है, ठीक है। ड्रॉ द शेप विच कम्स नेक्स्ट। आपको क्या लगता है, सर्कल के बाद ट्राइंगल के बाद सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, तो नेक्स्ट क्या आएगा? ये ट्राइंगल आएगा, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये सारा मैंने कर दिया आपके लिए। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब जैसे ये वाला मैंने ब्लैंक छोड़ रखा आपके लिए, 2, 5, 8, 11, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, कितना कितना का गैप है। गैप जानने के लिए हमेशा बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस किया जाता है। 3 आया तो मतलब +3, +3, +3 करते करते यहाँ आया मैं। फिर यहाँ से +3 अगर करूँगा तो 17, फिर यहाँ से +3 करूँगा तो 20, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न ये बना रहा है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का, वो है डेटा हैंडलिंग। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।